एंड द ग्रेविटेशन इज लाइक फोर्स. ओके, बहुत टाइप के फोर्स होता है, जैसे एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है. ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पैराशूट्स के बाद जब ऊपर से कूदते हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर होता है, तो हेलीकॉप्टर से जो जवान कूदते हैं या फिर रेसिंग होती है, ठीक है, ऊपर से, तो ये ऊपर से आने के बाद नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं चले जाते. ठीक है, एक ये क्वेश्चन होता है हमें कि वो नीचे ही क्यों आते हैं, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है. लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है वो मैं आगे बताते रहूंगा, पहले एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि वो नीचे क्यों आते हैं. ठीक है, सेकेंड इज कि हम जब यहाँ पे स्कीपिंग करते हैं, ठीक है, स्कीपिंग करने के बाद भी क्या होता है, हम कूदते यहाँ पे जंपिंग करते हैं, जंपिंग करने के बाद हम ऊपर क्यों नहीं चले जाते, नीचे ही आते हैं ना, मतलब जंप करते हैं तो ऊपर नहीं चले जाते, क्या होता है, नीचे आते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. पानी पीते हैं तो पानी भी क्या होता है, हम पीते हैं तो सीधा अंदर ही जाता है, मतलब नीचे ही आता है ना, ऊपर नहीं जाता, तो इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी. Even a simple task like drinking a water would become difficult without gravity. Gravity के बिना हम पानी भी नहीं पी सकते, ऊपर से ऊपर चले जाते हैं, नीचे भी नहीं आ सकते, और यहाँ पे skipping नहीं कर सकते, because gravity is important. ठीक है? So how was gravity discovered? इस chapter में हमें यही पढ़ना है कि gravity discovered कैसे हुई. तो gravity discovered करने के लिए एक scientist थे जिनका नाम है Sir Isaac Newton, जो यहाँ पर आराम से रेस्ट कर रहे थे एक झाड़ के नीचे, जो था एप्पल का. ठीक है, तो एप्पल के झाड़ के नीचे वो बैठे थे, तो एप्पल के झाड़ के नीचे में क्या हुआ कि एप्पल उनके सर पे गिरा, तो नीचे गिरा तो उनके सर पे लगा, तो वो सोचने लगे कि वो गिरा तो मेरे सर पे ही क्यों गिरा, आजू बाजू में क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऐसे वो आके सीधा मेरे सर पे ही क्यों गिरा. तो एन एप्पल फेल ऑन न्यूटन, जब उसके ऊपर गिरा तो न्यूटन बस वही थिंकिंग कर रहे थे कि एनालाइज कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों नीचे ही आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. अभी इसमें ग्रेविटी क्यों लगी वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. ग्रेविटी मतलब समझ आ गया, ग्रेविटी मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे आती है उसका मतलब क्या होता है, ग्रेविटी वो कहीं आजू बाजू में नहीं जाती या ऊपर नहीं चली जाती. ठीक है, एक फोर्स लगता है, जैसे कि ये फोर्स लगा, एक फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आगे आते ही बताऊंगा. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रेविटी पता चली कि हाँ ऊपर से कोई चीज आ रही है वो नीचे आ रही है. सो ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड किसने करी थी, सर आइजैक न्यूटन. न्यूटन थ्रू आउट फर्दर ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, मतलब ये अर्थ और एप्पल के बीच में ही नहीं, इंसान और अर्थ के बीच में नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जिनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड क्या होता है, दो मासेस, एक चीज दूसरी चीज. ठीक है, दोनों चीज के बीच में क्या होगा, एक दोनों के मासेस होंगे, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मासेस के बीच में होता है. ठीक है, उसके आप एग्जाम्पल्स देखते हैं कि दो मासेस कौन से हो सकते हैं. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है ए बॉडी, यहाँ पे ले लिया है हमने बी बॉडी. ठीक है, तो ए और बी क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, दोनों एक साइड से, इस साइड से ए फोर्स लगाएगा, इस साइड से बी फोर्स लगाएगा, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करने की ट्राई करेंगे, जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है. नाउ दिस अब यहाँ पे एक कार, यहाँ पे एक इंसान. ठीक है, एक इंसान और कार के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दो मासेस से दोनों मासेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. ठीक है, यहाँ से हुआ, यहाँ के यहाँ से इनका फोर्स लगा, मतलब कार का फोर्स लगा, और यहाँ से किसका फोर्स लगा, एक इंसान का फोर्स लगा. इट्स मीन इज वॉकिंग ऑन अ रोड एंड अ कार इज पासिंग वे, तो क्या हुआ, आई शुड गेट अट्रैक्टेड टू द कार, मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन होने लगा. और एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पे है एक अर्थ और ये हम ले लेते हैं मून. ठीक है, अर्थ और मून के बीच में भी क्या लगता है, अट्रैक्शन. इन तीन चीज में कॉमन क्या दिख रहा है कि एक चीज का मास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा, और दूसरी चीज का मास क्या हो रहा है, कम. मतलब एक चीज जो होती है वो क्या होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, थोड़ी कंपेयर टू हल्की होनी चाहिए. तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन तभी होगा जब एक मास होगा वो थोड़ा सा भारी होगा और एक मास होगा वो थोड़ा सा हल्का होगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या लगा, अट्रैक्शन लगा. यहां से अर्थ ने अट्रैक्ट किया, यहां से मून ने अट्रैक्ट किया. ठीक है, बट वी डोंट सी
दिस हैपनिंग, मतलब हमें पता नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, वो हमें दिखता नहीं है, हम हमें लगता है कि हम गाड़ी यहाँ से घूम रही है और हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे गाड़ी इनका हो रहा है, अर्थ मून के आसपास गोल गोल घूम रहा है, ए और बी कंटेक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी चीज ले सकते हो, तो वो हमें पता नहीं चलता, वो क्यों नहीं होता वो भी मैं भी बताऊंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले हम ये पढ़ते हैं कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब क्या हो गया, दो मासेस हो गया, एक का मास क्या होगा m1, दूसरे का मास क्या होगा m2, तो वो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मासेस बढ़ेंगे तो फोर्सेस भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे वो बताता हूँ, जैसे कि वन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो मासेस बढ़ेंगे, मासेस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ेगी इस साइड से तो दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो दोनों के सेंटर्स जो होंगे वहां से लेके इस साइड का दूसरा सेंटर, जैसे कि m1 का हमने एक सेंटर ले लिया, यहां से हमने ले लिया m2 का सेंटर, दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बीच में एक डिस्टेंस होगा, दोनों एक साइड से अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इस साइड आएंगे, तो दोनों का स्क्वायर डिस्टेंस जो मिलेगा हमें उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि हमें डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम। इनवर्सली का मतलब यही होता है कि एक को फिजिकल क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इफ वन, यहाँ पे देख लो, इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज अदर फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज। ठीक है, सो कंसिडर टू मासेस ऑफ बॉडी, यहाँ पे हमने ले लिया है m1, यहाँ पे हमने ले लिया है m2। ठीक है, अभी दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया वो क्या ले लिया हमने यहाँ पे r। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मासेस, दोनों के सेंटर ऑफ मासेस जो होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा एक दूसरे के साथ, वही फोर्स को बोलते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब यहाँ का एक मास हो गया m1 और यहाँ का मास हो गया m2, तो f जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, m1 और m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और दूसरा अभी जो बोला है वो मैं बताऊंगा, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लिया, जैसे कि m1 में कोई बच्चा है या कोई इंसान है, m2 पे यहाँ पे अर्थ ले लिया, वैसे तो दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हुआ। अभी जो ह्यूज मतलब जो अर्थ होगा वो अट्रैक्ट करेगा ना जो छोटी मतलब जो छोटा मास वाला होगा उसको, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो छोटा मास वाला था m1 वो क्या हुआ m2 के करीब गया, अट्रैक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि m2 का मास क्या है, ज्यादा। इन कंपैरिजन टू अर्थ द मास ऑफ कार इज नेलिजिबल, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नेलिजिबल, मतलब क्या होता है कि अर्थ का मास इतना ज्यादा होता है कि हम दोनों मतलब जैसे कि मेरे साथ कोई इंसान बैठा है तो मैं अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा भी कुछ मास है उसका भी मास है, ठीक है, उसका ज्यादा है मेरा कम है, ठीक है, तो मैं अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ द रीजन इज अर्थ, क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा होता है कि अंदर आने वाली चीजों का मास जो होता है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना अर्थ कर लेता है, क्योंकि अर्थ इज ह्यूज मास। ठीक है, अर्थ जो होगा वो क्या करेगा, प्लेनेट को जो होगा वो प्लेनेट के साथ वो अट्रैक्शन करेगा और एक लाइन पे घूमेगा, वो भी आएगा तो मैं बताऊंगा। हेंस वी डू नॉट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो यहां पे क्या बता दिया, यहां पे दूसरा इक्वेशन आ गया, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, हो गया यहां पे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इज टू, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि ए है वो यहाँ पे बी है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, ऑब्वियसली इफ डिस्टेंस इज लेस फोर्स इज मोर। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स क्या होगा, कम। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे है यहाँ, तो यहाँ पे क्या, इफ डिस्टेंस इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज
लेस, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे साथ लिख दिया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एफ के प्रोपोर्शनल पे है, ठीक है। तो जो नोमिनेटर में है वो ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन अपॉन एम टू, जो ऊपर था वो ऊपर आ गया यहाँ पे और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। अब दोनों का प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, प्रोपोर्शनल लगाने के लिए, प्रोपोर्शनल हटाना हो तो हमें कॉन्स्टेंट एड करना होता है, और इस कॉन्स्टेंट को हम एड करेंगे ग्रेविटेशन, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, जी आ गया। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो व्हेन जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यहाँ पे हमने जी यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में लिया हुआ है, क्यों, व्हेन जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ अ ग्रेविटेशन, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ के बीच में लग रहा है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा भारी चीजें होती है, इस वजह से यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। इफ वी पुट एम वन इज इक्वल टू एम टू, मतलब एम वन और एम टू अगर सेम हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे एम वन सेम है, एम टू सेम है और आर भी हमें ले लिया है वन, तो M2 वन है और R भी वन, तो क्या हो गया, F is equal to G M1 M2 upon R square, तो सब वन हो गया यहाँ पे, तो सब वन हो जाएगा, तो F is equal to क्या हो जाएगा, G, इस कॉल कि F is equal to G, force is equal to gravitational force, ठीक है। The universal constant of a gravitation is the force of attraction between two unit of masses, जो हमने ये देखा, at यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो दिस इज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, जो हमने लास्ट में पढ़ा इसके पहले वाले पेज में, तो ये फॉर्मूला हमारे पास था। ऐसा यूनिट हमें फाइंड करना होता, हम कैसे फाइंड करते थे, हमें यूनिट फाइंड करना और जी का यूनिट फाइंड करना है, ठीक है। एफ का पता है, एम वन का पता है, एम टू का पता है, आर का पता है, कैसे फाइंड करेंगे, जी के इज इक्वल में ले लेंगे, तो ये आर स्क्वायर होगा वो क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और एम वन अपॉन एम टू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जी आर स्क्वायर यहाँ पे चला गया तो एफ आर स्क्वायर, और एम वन एम टू नीचे आ गया तो यहाँ पे एम वन एम टू नीचे आ गया, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। यूनिट्स फॉर जी हम फाइंड करना है, तो हम पहले एफ का यूनिट क्या होगा, एफ का यूनिट क्या होगा, तो एफ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन। आर, अभी आर का यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। एम वन एंड एम टू, एम वन एंड एम टू मतलब क्या हो गया, मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, दोनों सभी क्या ऐसा यूनिट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मास का केजी, तो यहाँ पे देखो केजी आ गया, लेकिन केजी इंटू केजी होगा क्योंकि दो मासेस है, तो केजी इंटू केजी क्या हो गया, केजी स्क्वायर, ठीक है। और सीजीएस यूनिट हमें फाइंड करना हो तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाय, तो यहाँ पे डायन आ गया। आर मतलब क्या होता है, मीटर होता था, सी ऐसा यूनिट फाइंड करने के लिए, सीजीएस फाइंड करना हो तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और एम वन और एम टू का क्या होगा, केजी का ग्राम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राम स्क्वायर, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ में यही है कि द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मतलब दोनों क्या करते हैं, दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि बंदा ऊपर से नीचे कूद रहा है तो वो क्या होगा, नीचे ही आएगा, ठीक है, वो कहीं दूर नहीं जाने वाला। ये भी जंप कर रहा है तो वो जंप करने के बाद वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। It's a gravity that makes long jump so difficult. The motion of the moon around the earth, मतलब क्या हो गया कि जो अर्थ होता है उसके अराउंड में क्या होता है, एक compare, एक shortest distance होता है, एक orbit होता है, एक orbit के अराउंड ही वो क्या होता है, मून राउंड करता रहता है, मतलब घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो मून क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या करता है, गोल गोल घूम रहा है, एक ऑर्बिट के अंदर ही वो क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। सो न्यू टॉपिक इज ग्रेविटी। अभी ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमें पता चल गया कि ऊपर से नीचे आती है, वो चीज को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, बॉल फेंका, नीचे आया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ग्रेविटी की वजह से आया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity per unit time is called
एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो न्यूटन्स का ये लो होता है ग्रेविटेशन जो हमने फाइंड किया था, जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वेयर। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वेयर जो था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने फाइंड किया था वो वाला, ठीक है, तो हमने ये वो लिखा यहाँ पे। अब ये इक्वेशन वन दे दिया, ठीक है। अब हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फादर इज इक्वल टू मा, ठीक है, फादर मतलब एफ इज फोर्स, एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो लगाएंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए। अब हम एफ की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम ए लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया एम ए, एम ए। अब यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा है जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जो फोर्स वो क्या है, ग्रेविटी का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम जी हो जाएगा, ठीक है। तो एफ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर। अब दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, एम एम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एम और यहाँ से एम दोनों कट हो जाएगा, देखो यहाँ पे कट हो यहाँ कट, ठीक है। तो बचा क्या, जी इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल जी को बोलते हैं ग्रेविटी, कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एम को बोलते हैं मास और आर को बोलते हैं डिस्टेंस। तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ग्रेविटेशन जो होता है, इफ इट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट ऑफ मासेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो मासेस जो होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं एक डिस्टेंस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसका वैल्यू हमें फिक्स होता है 6.67 × 10⁻¹¹, जो यूनिवर्सल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर डिपेंड करती है ग्रेविटी, और ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8 m/s², लेकिन अर्थ पे होती है 9.8 m/s². हम चंद्र पे चले जाते हैं, मून पे चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होगी, ग्रेविटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वहां का मासिस चेंज है ना, चंद्र का मास, मून का मास जो होता है और अर्थ का मास होता है, वो दोनों में डिफरेंस होते हैं। अर्थ का मास कंपेयर टू मून क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो क्या होगा, इसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। वहां पे मून पे क्या होगी, ग्रेविटी कम होगी। क्यों ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि मून का मास क्या है, कम है। सो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक हम रखते हैं इस ग्रेविटेशन टॉपिक को, एंड थैंक यू वेरी मच टू आकाश बायजूस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग दिस प्लेटफॉर्म।